नमस्कार दोस्तों मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे सुरक्षित होंगे तो एक बार फिर से काफी लंबा सफर तय करके आज का जो पशुधन है दिखा रहे हैं जिला जींद से और वो स्लोगन कहीं ना कहीं गलत नहीं है अतिथि देवो भवा महाराष्ट्र के लातूर से कुछ हमारे ग्राहक हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं दूसरी वीडियो जिला जीन से ही कवर कर रहा हूं पानू डेयरी फार्म से पहली विजिट भाई के डेरी फार्म पे काफी अच्छा जो पशुधन है वो आप देख सकते हैं पीछे भरा पूरा जो डेरी फार्म है पीछे तक का देखें और दस भैंसों का जो लोड है वो भेज रहे हैं आज महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र से अंकुश सर है बीच में आप देखें आए हैं एक प्रतिष्ठित जो सरकारी नौकरी है पुलिस डिपार्टमेंट की करते हैं एज ए डी की पोस्ट पर कार्यरत तो और उसके बावजूद जो पशुधन में इनका जो इंटरेस्ट है जो रुचि है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली तो अपना खुद का डेयरी फार्म चलाते हैं देखें नौकरी के साथ साथ डेयरी फार्म चलाना कोई आसान काम नहीं है उसके बावजूद भी अच्छी खासी रुचि अच्छा खासा जो इंटरेस्ट है वो लेकर के काम कर रहे हैं दस भैंसे ली है विजय भाई के डेयरी फार्म से सीधा लेकर के चलते हैं विजय भाई के पास जानेंगे कि पशुधन की डिटेल्स नमस्कार विजय भाई कैसे हो जी आप तो आज कितनी भैंसे भेज रहे हो भाई साहब अपने आज 10 पैसे हैं 10 पैसे किस तरह का पशुधन रहता है अपने पास अपने पास भाई साहब सभी तरह रहता है जिस तरह का मान लो किसान आदमी आता पसंद करता ठीक है ठीक है पशुधन उन उनको दिला देते ठीक है हाँ। तो 10 पैसे सारी ताजा बेई हुई है ताजा कैसे ताजा बेई हुई हैं अंकुश सर है मिलवाना चाहूंगा नमस्कार अंकुश सर नमस्ते नमस्ते कैसे हो जी आप बस अच्छा हूँ तो टाइम मिल जाता है आपको पुलिस की नौकरी के साथ साथ डेयरी फार्म चलाने का अभी रिटायर हो गया अच्छा तो अभी ठीक है तो उसके पास टाइम टाइम मिलेगा अभी जो मेरे पास बचेगा वो क्या ये करना हा, तो हा। मेरे पास पहले से खेती है थोड़ी ठीक है तो उस वो खेती के अंदर मैं ये प्रोजेक्ट ये कर रहा हूँ ये लगा रहे हो ठीक है तो रिटायर अभी हुए हो मई में रिटायर थर्टी फर्स्ट ऑफ मई आप बता रहे थे है ना जी तो कितनी भैंसे खरीदी है आपने यहाँ दस पैसा खरीद दस भैंसे खरीदी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे क्या फीडबैक है रिव्यूज क्या है अपके? एक इनके पास से ये जो अजय और विजय है जी इनके पास से हमारे तरफ हमारे तालुके में है हमारे डिस्ट्रिक्ट में ठीक है इसके पहले पांच छे फार्मर ने पैसे खरीदी करी ली जी उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है हाँ। और भैंसे भी अच्छे है ठीक है।, है वो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। और उसके वास्ते है। आम आदमी जो दूध के वास्ते परेशान है जी वो परेशानी उनकी बहुत सारी कम हो गई ठीक है ये जो बिक्री वाले थे ये जो होटल वाले थे आम आदमी को उतना सस्ता दूध नहीं या उतना अच्छे क्वालिटी का दूध नहीं दे रहे थे वो उनके पास से पांच आदमी यहाँ से जो भैंसा लेके गया उनको उनके जरिए वो मिल रहा है तो आपके रिलेशन में थे वो पांच आदमी यहाँ से भैंसे लेकर के गए थे जी मेरे एक मेडिकल वहाँ के वेटररी ऑफिसर डॉक्टर है ओके वो उनका एक खुद का थोड़ा ये है टिक्का जहर का टिक्का है यो मैं देवी इसने एल पे सही टाइम बूध ना देना मेरा आगे कान पकड़ ये बात देवा देवा दे तब सारे भाइयों ने बताऊ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਐਲ ਡੀ ਐਮ ਪਾਓ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਪਸਾਓ ਪਰ ਟਾਈਮ ਬਸੇ ਹੀ ਦੁੱਧ ਪਾਓ ਯਾ ਐਲ ਡੀ ਐਮ ਲਾ ਰੇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਬਾਂ ਮਿਲ ਲੇਗੀ ਅਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਾਣ ਖਾਤਰ ਐਮਾਜ਼ਨ ਔਰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕੋ ਹੋ ਔਰ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮ ਕਸਰ ਰਹੀ ਹੋ ਨਾ अस्सी पाँच सौ पचनवे सैंतीस हजार है तो बहुत बढ़िया के जरिए मैं मुझे मालूम हो गया और उन्होंने मेरे को ये आदमी को ज्ञानो बा बोल के था पहले इनके पास से लेके गया जी, था जी तो अभी उसका तीस या पैंतीस चालीस चालीस वैसे का गोटा है अभी उसका ठीक है अच्छा फार्म चल रहा है उसके दो सत्तर लीटर दूध तकरीबन एक दिन के अंदर दूध निकलता है बहुत बढ़िया तो आप भी दूध के पर्पज से लेके जा रहे हैं अभी दूध है और हमारे पास कम्पोस्ट ज्यादा लगता है अच्छा और ये जो खेती है हमारे पास उतनी फर्टाइल नहीं है बिल्कुल उसको पहले ये कम्पोस्ट डालना ही पड़ता है ठीक है तो ये कंपोस्ट मिलना ये सबसे नहाय जरूरी है और ये ये दूध भी मिलना दोनों जी। ये उसके मकसद दोनों भी है तो माफी चाहूंगा बात करूं मैं आपकी फैमिली की फैमिली में शुरू से खेती वगैरह करते हैं यस, तो इतना नॉलेज आपको है यस मेरे पिता जी। पहले से खेती करते हैं ठीक है गांव तरफ मेरे फिफ्टी टू एकड़ खेती है बहुत बड़ी दो बड़ी दो दूसरे दो भाई है बहुत बड़ी खेती करते जी यस मेरा दो एक बच्चा है वो केमिकल इंजीनियर है ओके बड़ी लड़की है वो इंजीनियर भाई वाह बहुत बढ़िया तो देखें शुरू से ये काम कर रहे हैं खेतीबाड़ी का उसके बावजूद रिटायरमेंट के बावजूद आप देखें सिर्फ जो खेतीबाड़ी है न सिर्फ खेतीबाड़ी बल्कि कहीं ना कहीं जो पशुपालन का काम है उसी को चुना और उसी के बलबूते पे जो पशुधन है आज यहाँ से खरीद करके लेकर के जा रहे हैं अपनी ही जगह पे दूध के कारोबार से कहीं ना कहीं शुरुआत करेंगे आ, चार से पांच लोगों की रेफरेंस मिली महाराष्ट्र से और उसके बावजूद विजय भाई के डेयरी फार्म पे आए और यहाँ से दस भैंसों का जो सिलेक्शन है वो किया तो सर दूध वगैरह निकालना जानते हो यस दूध निकालना जानते हैं और यहाँ आके भी हमने खुद धो के हमारे पास जो नौकर आया हाँ। उसने दूध निकाल के देखा हाँ हर एक भैंस का पंद्रह सोलह लीटर के अब है दूध तो, तो दूध वो देखने के बावजूद ही हम उसको चॉइस किए उसको चॉइस किया ठीक yes. है तो मतलब सेटिस्फाई हो संतुष्ट हो ठीक है किसका सोलह है किसका सत्रह है जी जैसा जैसा ये है अभी उसका तो कैसा है कि जो डिलीवरी हो गया हाँ, हाँ। रिसेंटली हुए वाला है ठीक है उसका दूध और बढ़ेगा ठीक है अभी तो जो रिसेंटली डिलीवर हुए है। उसका दूध कम रहता है जी। लेकिन बाद में वो बढ़ जाएंगे बहुत बढ़िया तो विजय भाई आपके भाई है अंकल जी मेरे अंकल जी हैं आपके तो सर नमस्कार नमस्कार सर क्या कुछ कहना चाहेंगे विजय भाई के बारे में किस तरह का पशुधन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सर हम अच्छे से अच्छे बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की जैसे भी एक दो टाइम दूध दिखा के अच्छे से ग्राहक को पसंद करा के तब पैसे दिलाते हैं हमारे पास कर्नाटक से आंध्र से तेलंगाना से महाराष्ट्र से किसान लोग आते हैं और पैसा लेके जाते हैं बहुत बढ़िया है, बहुत हाँ। बढ़िया तीनों स्टेटों में अच्छे से अच्छी पैसे सप्लाई करते हैं है और किसानों को पूरी तरह सर्टिफाइड करा के ही बहुत बढ़िया दो टाइम दूध वगैरह दिखा ठीक है तो विजय भाई के साथ ही काम करते हो हम एक साथ बहुत बढ़िया तो कहाँ से शुरू करेंगे विजय भाई बताए एक बार तीन नंबर से तीन नंबर से आ जाओ फिर देखे। पशुधन देखें जी भाई का सिलेक्शन जबरदस्त हाइट लेंथ पीटपुट्ठा जितना भी पशुधन है सारा बेहतरीन क्वालिटी का है और तीन नंबर से शुरुआत करना चाहेंगे तीन नंबर से आए हैं बताएं सर क्या कुछ डिटेल्स अच्छा यहाँ से ठीक है बताएं प्लीज आ जाओ ले आओ सीधा लेकर के जाएं बताओ विजय भाई क्या कुछ डिटेल्स हैं कौन सा ब्यात है क्या कुछ दूध है एक बार वो ये अभी सेकंड टाइम डिलीवरी हुआ है जी बहुत बढ़िया अभी डिलीवरी को हो गया आज पाँच दिन ठीक है इसके नीचे अभी मान लो पंद्रह लीटर दूध तैयार हो गया लीटर दूध तैयार सेकंड पशुधन रोक के रखे एक मिनट वहाँ पे पशुधन को दिखाना चाहेंगे ये देखे जी शक्ल सूरत से लेकर के चेहरा मोरा नीचे अर्डर की क्वालिटी है वो देखे तो पंद्रह लीटर दूध की जो मिल्क कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं इस पशुधन में देखने को मिल रही है और काफी अच्छा खासा जो लांड पांड है पीट है, वो लेकर लेकर के जाएं। ये देखे शकल ले के ये जी, सूरत, चेहरे मोरे से जो की क्वालिटी है वो काफी बेहतरीन जो पशुधन है वो दिखा रहे हैं तो किस भाव में दी है रेट बताना चाहेंगे भाई साहब ये दिया है एक लाख दस हजार एक लाख दस हजार हाँ। एक मिनिमम कॉस्ट आप बता दो मिनिमम इतना है मैक्सिमम इतना है भाई साहब अपने पास छोटे छोटा दिला है दिलाई का पिचानवे हजार से लेकर थार के थार से लेके और एक लाख पंद्रह हजार एक लाख पंद्रह हजार तक का हाँ। दूध क्या कुछ है इनमें दूध भाई साहब इनमें सभी में, हाँ। में पंद्रह प्लस लीटर दूध पंद्रह प्लस जो दूध है वो हाँ। और बहुत बढ़िया हो गया है ठीक है अगला पशुधन की क्या कुछ डिटेल्स है बताए भाई साहब अभी सेकंड टाइम डिलीवरी सेकंड टाइम ठीक है इसमें भी सोलह लीटर दूध तैयार हो गया दिन का डिलीवरी बहुत बढ़िया लेकर के जाए सिर्फ सात दिन की ब्याई हुई सेकेंड लैक्टेशन में जो पशुधन है वो देखें 16 लीटर जो दूध है वो तैयार अडर की क्वालिटी देखें न सिर्फ अडर की क्वालिटी हाइट लेंथ पीटपुटा शानदार टिट स्पेसिंग के साथ काफी जबरदस्त सेकेंड टाइमर जो झोटी है वो आपको यहाँ से देखने को मिल रही है लेकर के जाए सीधा ये देखे जी नीचे बच्चा क्या है इसके, इसके नीचे है। फीमेल है। का ठीक है बहुत बढ़िया तो अगला पशुधन कौन से वाला दिखाएंगे बताओ ये लोड है वो जा रहे हैं विजय भाई के डेयरी फार्म से महाराष्ट्र राज्य में लातूर में और अंकुश सर मैंने मिलवाया आपको काफी अच्छा पशुधन यहाँ से लेकर के जा रहे हैं नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद और डेयरी फार्म है वो चला वो चलाएंगे अभी मतलब शुरुआत करेंगे तो दूध के पर्पज से जितना भी पशुधन है विजय भाई के यहाँ से खरीदा अगले पशुधन पे एक बार खोल के ले आओ

नीचे भाई सब मेल इसके मेल शानदार जो पासे हैं शानदार जो टीट स्पेसिंग है वो इस पशुधन के नीचे देखने को मिल रही है देख सकते हैं और अगला पशुधन बताएं सर क्या कुछ डिटेल्स भाई रहा है तो कितनी कितने लोड भेज देते हो महीने में महीने में भाई साहब अपना चार से पाँच लोड है चार से पाँच लोड हाँ तो कहाँ तो कहाँ के जो बायर्स हैं वो आपके पास आते हैं एक बार मेरे पास भाई साहब महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना ठीक है आंध्र ठीक है हाँ। बहुत बढ़िया स्टेट के आदमी अपने पास बहुत बढ़िया एक और पशुधन है क्या कुछ डिटेल्स है बताए प्लीज ये भाई साहब सेकेंड टाइम का डिलीवरी जी हाँ इसमें अभी सत्रह लीटर दूध तैयार है जी आ, इसको हो गया नौ दिन हो गया डिलीवरी को सेकंड लैक्टेशन में सत्रह लीटर जो दूध है वो तैयार बता रहे हैं पैरों के बीच का जो टाइट अडर है वो देखें और आठ से नौ दिन का जो ब्याया हुआ पशुधन है वो काफी शानदार बिल्कुल शांत स्वभाव में शाम के समय जो वीडियो है करीब करीब साढ़े चार से पौने पाँच के बीच में जो कवर है वो कर रहा हूँ और सोमवार का दिन है तो बताएं सर क्या कुछ डिटेल्स हैं ये भाई साहब थर्ड टाइम का डिलीवरी है जी जी इसको आज तीन दिन हो डिलीवरी को ठीक है अभी इसमें साढ़े पंद्रह सोलह लीटर दूध तैयार हो गया है भारी भरकम शरीर का जो पशुधन है वो देखें और साढ़े पंद्रह से सोलह लीटर जो दूध है वो मौके पे तैयार हाइट लेंथ जो पीठ पुटा है वो देखे तो कितना दूध है आ, कितने दिन का ब्याया हो गया ये तीन दिन का हो गया भाई साहब तीन दिन का ब्याह है सिंगो को यहाँ पे जरूर नुकसान मैं कहूंगा अदरवाइज पशुधन देखें पूरे लाड पान का काफी जो बेहतरीन पशुधन है थर्ड टाइमर बफलो वो इनको उन्होंने दे रखी है और न सिर्फ हाइट लेंथ पीटपुटा बल्कि जो ऑर्डर की क्वालिटी है वो देखें काफी बेहतरीन काफी लाजवाब तो और कौन सी है विजय भाई जो इनको दी है ठीक है खोले एक बार प्लीज नहीं। 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 बताएं सर क्या कुछ डिटेल्स ये भाई साहब फर्स्ट टाइम डिलीवरी है जी जी आ, इसको हो गया आज छह हो गया डिलीवरी को बहुत बढ़िया अभी लीटर दूध इसमें तैयार है पहले ब्यात की शानदार झोटी देखे मात्र और सिर्फ और सिर्फ छह दिन का ब्याह हुआ चौदह लीटर दूध मौके पे तैयार शानदार जो टीट स्पेसिंग है थन पासे हैं पैरों के बीच का टाइट अडर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दो दांत बता रहे हैं दांत दिखा देगी दांत नहीं, नहीं, नहीं दिखाएगी। ठीक है। रहे। थोड़ी सी उछल कूद शरारती स्वभाव की बता रहे हैं, इसलिए दांत माफी चाहूंगा नहीं दिखा पाएगी तो एज पर ओनर डिटेल्स जैसी ओनर हमें डिटेल बताएगा वैसी ही डिटेल्स आपके साथ हु जो साझा है वो हम करते हैं और पशुधन बताएं कौन सा वाला है सर ये हो गया भाई साहब ठीक है पूरा दस भैसे दस भैसे हैं तो देखें पिचानवे हजार से लेकर के एक लाख पंद्रह हजार तक की जो भैंसे हैं वो भाई ने दी हैं और अंकुश सर के पास सीधा लेकर के चलते हैं सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नया काम है वो शुरू कर रहे हो और उम्मीद करेंगे कि दोबारा से आप हरियाणा में विजिट करें आपका जो पशुधन है अच्छा निकले yes. और विजय भाई के पास फिर से आए जिससे न सिर्फ आपका नाम होगा बल्कि कहीं ना कहीं हमारे हरियाणा प्रदेश का भी नाम होगा तो सेल परचेज का अपना विजय भाई काम है ठीक है क्या कुछ संपर्क सूत्र हैं आपके हाँ है भाई साहब नंबर कौन बताओ नाइन जीरो जीरो और एड्रेस और एक बार एड्रेस है भाई साहब अपना गुप्ता कॉलोनी अमरेडी रोड पानु चौक गुप्ता कॉलोनी अमरेडी रोड चौक डिस्ट्रिक्ट जींद से जो वीडियो है वो लेकर के आए हैं उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी किसी भी अन्य जो लोड है जो दूसरे राज्यों के बायर्स हैं वो इस वीडियो को देख पा रहे हैं जो विजय सर हैं इनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रही हैं डायरेक्टली आप इनसे संपर्क कर सकते हैं जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के पास या फिर किसी नए डेयरी फार्म पर तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार धन्यवाद जय जवान जय किसान